गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब कबीर साहब की वाणी में सृष्टि रचना को सुन रहे हैं और साथ में गरीबदास जी उसका प्रमाण दे रहे हैं कि मैंने भी आंखों देखा उस कबीर परमात्मा की रजात है। और वही मैं आपको बता रहा हूं कबीर परमात्मा की ही रजा से। अब गरीबदास जी बता रहे हैं, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, इत्या को तोरा ना पाया चमके बंधे प्राणी। ये पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, ये तो मुसलमानों के अंदर कहा जाता है और उन्हीं को सुर नर मुनिजन ज्ञानी, ये हिंदू उन्हीं का नाम है हिंदू हिंदी भाषा में, और वो अरबी के अंदर पीर पैगंबर कुतुब ओलिया और हिंदी में सुर नर मुनिजन ज्ञानी। ए त्याको तो राना पाया जमकै बंदे परानी, इनको तो प्रभु की भक्ति यथार्थ प्राप्त नहीं हुई और ये इस जम यम अर्थात काल साधना में ही बंधे हुए हैं। अब अपनी समर्थता बताते हुए कबीर परमेश्वर कह रहे हैं, काल अकाल दोहों को मोसो महाकाल सिर मुंडू। इस काल और अकाल ये परब्रह्म अर्थात काल के दो अर्थ होते हैं, एक तो काल जो खाता है, एक अकाल जो नहीं खाता है। एक काल होता है दुर्भिक्ष, एक काल जिसका विनाश होने वाला हो और अकाल जिसका विनाश कभी ना हो। ये एक ही शब्द के कई अर्थ बनते हैं। काल अकाल दोहों को मोसो महाकाल सिर मुंडो, मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी ही चोर खोज को ढूंढू। कबीर साहब कहते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को बुरा नहीं बताते और इनके बस की बात नहीं बेचारों की, ये तो ये काल यही महाकाल रूप में अपने 21वें ब्रह्मांड में रहता है। इन और ये दूसरे रूप में हर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म लोक में भी यही रहता है। काल अकाल दोहों को मोसो महाकाल सिर मुंडो, मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी चोर खोज को ढूंढू। हम तो उस जड़ को पकड़ेंगे उस काल को, और यही कारण है दुखदाई सब जीवों को यही दुखी कर रहा है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई। ये काल अपनी माया के द्वारा सभी को उलझा के और सभी हंस आत्माओं को जीव आत्माओं को चुन चुन कर खा रहा है, 1,00,000 जीवों का आहार प्रतिदिन कर रहा है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई। इस काल की द्वारा बिछाया हुआ जाल ये माया इन सब जीवों को उलझा के, प्रथम तो ये त्रिगुण रूपी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जीव को उलझवाता है, उसके बाद ये और जो मूल प्रकृति शेरा वाले के द्वारा इस जीव को उलझवाता है, क्योंकि ये सभी इस काल के वश हैं, इन बेचारों का कोई दोष नहीं। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई, ये अनजान आत्माओं को के ऊपर प्रभु बना हुआ है, लेकिन ये प्रभु नहीं है। ये स्वयं भी कहता है गीता जी के 15वें अध्याय के 16, 17 और 18 श्लोक में। 16 श्लोक में लिखा है कि दो भगवान हैं,
क्षर ये ब्रह्म, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। इसी प्रकार दो स्थिति जीव की है। ये जीव रूप में तो अविनाशी है और ये सथुल शरीर के अंदर नाशवान है, चाहे ये चाहे ब्रह्मा बना है, चाहे विष्णु बना है, चाहे शिव बना है, और चाहे कोई राजा बना है या रंक बना है या कोई पशु बना है, पक्षी बना है, ये सथुल शरीर है, ये तो नाशवान है प्राणियों का, और जीव आत्मा रूप में ये अविनाशी कहलाते हैं। अब ये है गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 का अनुवाद, और 17वें श्लोक में लिखा है कि वास्तव में भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है, क्षर नाशवान, अक्षर कुछ अविनाशी। जैसे एक तो कप हो सफेद मिट्टी का बना हुआ, जिसको चीनी का कप कहते हैं, जिसे चाय पीते हैं, और दूसरा हो स्टील का, वो सफेद मिट्टी का बना हुआ कप तो बिल्कुल नाशवान है, शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो सकता है कभी भी, और स्टील लोहे का जो बना हुआ है इस्पात का कप, वो स्थाई समझो कुछ, उससे बहुत स्थाई, किससे, चीनी वाले कप तय, लेकिन वास्तव में भी वो स्थाई नहीं है, क्योंकि लोहे को जंग लगेगा और कभी आने वाले समय में, ठीक है काफी समय लग जाता है, फिर भी वो विनाश को प्राप्त होगा, मिट्टी बन जाओगी। परंतु एक सोने का कप हो, अब सोने के कप का विनाश नहीं होता, सोने का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ना जंग लगता है, ना काई लगती है, ना वो नाशवान है। ऐसे ही तीन परमात्माओं का जिक्र गीता जी कर रही है और दो की सत्य है, और वही परमात्मा जो वास्तव में भगवान कोई और है, और वही अविनाशी परमेश्वर वास्तव में अविनाशी है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण और पोषण करता है। अब जैसे 15वें अध्याय के गीता जी के ही प्रथम और द्वितीय श्लोक में लिखा है कि उल्टा लटका हुआ ये वृक्ष है अर्जुन, इसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को ये टहनिया है, तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और वही सबका पालन करता है, पालन पोषण करता है, जो मूल परमात्मा है, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो वास्तव में अन्य भगवान है। ये एक संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण समझो, ये ऊपर उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को ये शाखाएं और ये तना मोटी डार आदि हैं। अब सबसे ऊपर ये वो परमात्मा है जो वास्तव में भगवान है, ये जानो, ये पूर्ण ब्रह्म, ये स्वयं कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है, और इससे नीचे जो बाहर ये तना है, ये अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है, इससे आगे फिर ये टहनी जो मोटी डाल निकलती है, ये क्षर पुरुष अर्थात ये ब्रह्म, ये काल भगवान है, इससे फिर आगे ये तीन टहनियां बन गई, इसके पुत्र ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी ये इसकी शाखाएं हैं। अब ये ऐसे समझना है हमने सृष्टि रचना को, और यही गीता जी बता रही है, और ये पात्र रूप संसार, कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। अब इसमें ये देखना है कि वास्तव में इसका पालन करता कौन है सारे वृक्ष का, ये मूल है, जड़ है, और ये जड़ है वो अन्य परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म सत पुरुष कबीर साहब। अब आप देखिएगा ये पवित्र गीता जी, और इसके अंदर
आपको ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये वही पुस्तक है जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं। अध्याय नंबर 15 के, अध्याय नंबर 15 और ये श्लोक नंबर 16 है। पहले इसकी ये मूल संस्कृत देखिएगा, सीधा सारथ इससे बनेगा, क्योंकि इन सरलार कर्ताओं ने स्वयं इतना ज्ञान नहीं था कि ये सत्य को सत्य कह सके। ये लिखा है, दुई इमाउ पुरुषो लोके छर च अक्षर, इस पृथ्वी वाले लोक में दो भगवान है, दुई माने दो, इमाउ माने इस, पुरुषो माने पुरुष, लोके माने संसार में, सर ये नाशवान, ये छर ये ब्रह्म है, अक्षर ये पर ब्रह्म, द्वि पुरुषो अक्षर पुरुष छर पुरुष, इन इस पुरुष को यहां दोनों स्थान पर लगेगा ये। एवं माने इसी प्रकार, और इसी प्रकार चय, और इसी प्रकार छर सर्वाणी भूतानी कटुस्त अक्षर उचैते, इसी प्रकार जीव की दो स्थिति है। अब यहां इनके द्वारा टीका भी देखिएगा, ये श्री जयदयाल गोविंद का जी के द्वारा भाषा भाषा टीका है। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। यहां पुरुष माने भगवान लिखना था, प्रभु लिखना था। फिर इसी प्रकार सर्वाणी सब संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा है। अब ये तो छर और अक्षर की ज्ञान दिया। अब वास्तव में ये 17वां श्लोक बताता है, स्पष्ट लिखा है, उत्तम पुरुष है तो अन्य, वास्तव में उत्तम परमात्मा यानी इनसे भी श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, जिसको परमात्मा इति उदाहरते, इस पुरुष का अर्थ भी यही दे दिया कि वो पुरुष वो वास्तव में भगवान परमात्मा है, इस प्रकार कहा जाता है। और वही अवम ईश्वरम, वही अविनाशी परमेश्वर इन तीन त्रिलोक में, इन तीनों लोकों में भी प्रवेश करके, अविश्वय माने प्रवेश करके, विभर्ति माने सबका पालन पोषण करता है, वो अन्य भगवान। अब इन्होंने कैसे किया है ये भी देखिएगा, उत्तम पुरुष है तो अन्य ही है, इन्होंने भी स्पष्ट करने की कोशिश की है, यहां भगवान लिखना चाहिए था, उत्तम भगवान तो कोई अन्य है, प्रभु तो कोई अन्य है, तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पोषण कर, धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया है। अब यहां सिद्ध कर दिया कि वही पुरुष यानी परमात्मा, उसी को परमात्मा भी कहते हैं, वही वास्तव में भगवान है। अब ये सिद्ध करना चाहता है दास ने कि गीता बता रही है कि परमात्मा कोई और है, ये स्वयं काल बोल रहा है गीता जी में, ये ब्रह्म बोल रहा है। अब 18वें श्लोक में स्पष्ट है, ये स्वयं काल भगवान कह रहा है कि क्योंकि मैं, क्योंकि मैं नाशवान जड़ क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। क्या बताना चाहा है, यही मैं आपको बताना चाहता था, लोक वेद क्या है, सुना सुनाया ज्ञान लोक वेद कहलाता है। अब ये ब्रह्म भगवान छर पुरुष अर्थात काल भगवान स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मुझे तो केवल इसलिए भगवान कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, कि मैं इस जीव आत्मा से जो मेरे अंतर्गत है, मेरे ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांडों में है, वो चाहे जीव रूप में है, जीवात्मा रूप में, चाहे वो सथूल शरीर में देव हैं, महादेव हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चाहे राजा है, चाहे रंक है, ये जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, इनके ऊपर मैं प्रभु हूं, इनसे तगड़ा हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। ये लोक वेद का अर्थ होता है कि
सुने सुनाई कथाओं के आधार पर, जैसे किसी क्षेत्र में किसी की पूजा है, किसी क्षेत्र में किसी देव की पूजा है, कोई किसी प्रकार साधना कर रहा है, कोई किसी प्रकार साधना कर रहा है, इन साधनाओं को लोक वेद कहते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जिसका शास्त्रों में प्रमाण नहीं है, या ज्ञान है तो वेदों के आधार पर ज्ञान है, जैसा ऋषियों को ज्ञान हुआ कि ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है, उनकी अपनी सोच थी, या वेद में ऐसा नहीं है, ना गीता में ऐसा है, इन्होंने ही इस ब्रह्म को पूर्ण सर्वशक्तिमान मान के और लोक वेद बना दिए, अपनी कथाओं के आधार पर इसको सर्वस्वा सर्वशक्तिमान, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर अजन्मा, इनके कोई माता पिता नहीं, ऐसा बना दिया। ये लोक वेद था, ये शास्त्र में प्रमाण नहीं था, शास्त्र को पढ़ा भी लेकिन ना समझने के कारण जो लोक वेद बन गया, ऐसे कहा कि मैं तो केवल लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम कहलाता हूं, क्योंकि ऋषियों को पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया, वेद भी पढ़े और उसमें पूर्ण परमात्मा के महत्व जैसा ही इस ब्रह्म को जानकर इसकी ही साधना ओम नाम के जाप से करते रहे। तो यह स्पष्ट कह रहा है कि मैं इसलिए प्रभु माना जाता हूं, और जो मुझे ऐसे परमात्मा मान रहा है, अपने ही ज्ञान से, वास्तव में उसको ज्ञान सही नहीं है, तो वो मुझे ही हमेशा भजता रहता है। और ये अनमोल शास्त्र मैंने तेरे से बता दिया, रहस्य युक्त। भगवान रहस्य युक्त क्यों कहा? जब ज्ञान है तो स्पष्ट सबके सामने ही आना चाहिए था, रहस्य युक्त क्यों कहा? क्योंकि ये हमेशा हर जीव को गुमराह करने की चेष्टा करता है। अभी इसी गीता जी के अब 19 और 20 श्लोक आपको फिर दिखाता हूं। ये गीता अध्याय नंबर 15 है, श्लोक नंबर 19। इसमें देखिएगा, हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, जैसा कि 18वें श्लोक में आपने सुना, वह सर्वज्ञ, सब प्रकार से निरंतर, माम माने मुझे ही। ये वासुदेव इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया, सीधा अर्थ है, माम माने मुझको ही भजती माने भजता है, जो सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर मुझे प्रभु मान रहा है वो मुझे ही बचता है, अर्थात पूर्ण परमात्मा को नहीं बचता। अब 20वां श्लोक देखिएगा, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अब जो सच्चाई मैंने बता दी, ये काल भगवान कह रहा है, इस प्रकार जो सही समझ जाएगा कि मैं परमात्मा नहीं हूं और वास्तव में प्रभु कोई और है, ऐसे जो समझ जाता है ये गुप्त से गुप्त ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान को, तो वो फिर समझो पूर्ण ज्ञानी हो गया, और फिर वही अपने हिसाब से साधना करता है। अब इसी गीता जी के 15वें अध्याय का प्रथम और द्वितीय श्लोक ये स्पष्ट करता है कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष, ये देखिएगा, यही 15वां अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, ये ऊपर देखिएगा, अथ 15वां अध्याय, इसमें प्रथम और द्वितीय श्लोक में लिखा है, ऊर्ध्वं मूलं अधः शाखा अश्वत्थं प्राहु अयम छंदासी अस्य प्राणी प्रणानी यतम वेद सह वेदवितः। ये उल्टा लटका हुआ, ऊर्ध्वमूलम माने ऊपर को जड़ वाला, अधः माने नीचे को शाखाएं वाला, ये मजबूत एक वृक्ष कहा है, संसार रूपी वृक्ष समझो, और छंदासी अस्य प्रणानी अर्थात इसके वेद आदि भी इसी का गुणगान करते हैं, और उस तम माने उस अज्ञान अंधेरे में छुपे हुए उस परमेश्वर के वेद माने ज्ञान को जो सही जान लेता, स वेदवित है, वेदवित वह वास्तव में ज्ञानी है। अब
ये तो सीधा सा बने है। आगे देखिएगा श्लोक नंबर दो, श्लोक नंबर दो, इसमें लिखा कि इस वृक्ष की तीनों गुण, गुण प्रवदा उस वृक्ष की, ये देखो ऊपर, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी, ये तो वैसे इन्होंने अपने तुक मारा है, तीनों गुण रूपी विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की ये शाखाएं, तीनों गुण रूपी विषय विकारों की शाखाएं, अधः माने नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में भी, और ये मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी मूलानी, ये मूल कारण है, जड़े हैं ये वास्तव में इस कर्मों को मैं बंधन की, तीनों गुण मूलानी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हैं। अब क्या हुआ कि ये तीन गुण रूपी सतगुण विष्णु और तमगुण शिवजी रूपी ये तीनों शाखाएं इस मनुष्य लोक में इन जीवों को कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों में बांधने की मूल है, कारण जड़ है। अब इस प्रकार इस गीता जी के ज्ञान को हम समझ के और फिर आगे चलेंगे, तब हम इसको सही ढंग से समझ पाएंगे। क्या बताया, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी भया निरंजन, कहे निरंजन मैं ही करता वाई। अब ये कह रहा ना कि मैं तो केवल इसलिए भगवान हूं, प्रभु हूं, के इस जीवात्मा से तथा ये सथुर शरीर में प्राणियों से उत्तम हूं। तो यहां कहते हैं, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योत स्वरूपी भया निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। अब इन्हीं विष्णु जी के अवतार नौ तो हो चुके हैं और दसवां अभी आएगा, वो निकलंक नाम से विष्णुदत्त शर्मा के घर पर संभल नगरी में अवतार लेगा, एंड ऑफ द कलयुग, कलयुग के अंत में, उसमें सभी प्राणी मांसाहारी कृतघ्नी और भक्तिहीन हो जाएंगे, उसमें मनुष्य की आयु 20 वर्ष की होगी, स्त्री और पुरुष की, जिसमें से 5 खंड होंगे। खंड का मतलब है कि 5 वर्ष, जैसे आजकल 100 वर्ष की आयु मानते हैं, तो 75 में 80 में आम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसे उस समय 20 वर्ष की आयु होगी और 15 वर्ष में आम व्यक्ति मर जाया करेगा, यानी प्राण त्याग जाया करेगा। उसमें 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाएंगे और कुल कद जो है, हाइट मानव की, ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 फुट होगी। ऐसे बिल बना करके रहा करेंगे, सब मांसाहारी होंगे। उसमें पृथ्वी केंद्र उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। उन कृतघ्नी प्राणियों को समाप्त करने के लिए ये काल अपना ही कोई वहां गण, जैसे दसवां अवतार कौन आएगा, ये राजा हरिश्चंद्र जो कलयुग में बड़े महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने प्रभु के लिए अपने बच्चों को भी बेच दिया, अपनी पत्नी को भी बेच डाला, लेकिन अपना सत नहीं हारा। इस प्रकार
अब वो उस समय की हुई अच्छी साधना के आधार पर स्वर्ग में है, और फिर स्वर्ग भोग के उसी को फिर ये दसवां अवतार बना के ये काल भेजेगा, फिर उसके कर्म बिगड़वा देगा। यहां पर वो सब को खत्म करेगा, जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को काट डाला, उसको शक्ति दे दी काल ने। और ऐसे ही महाभारत का जब युद्ध करवाना था, अर्जुन को शक्ति दे दी काल ने, और जब वो अनर्थ हो लिया फिर वो छीन ली, और फिर वो अर्जुन बिल्लों ने पीटा, और वो गांडीव धनुष नहीं चला उससे, तब वो स्वयं अर्जुन कहता है कि मेरे को भगवान कृष्ण ने छल लिया, युद्ध करवाना था तब तो शक्ति दे दी, अब मेरे से ये धनुष नहीं चल रहा। अर्जुन कहता है कि बड़ा छलिया है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि भगवान कृष्ण छलिया नहीं है, वो नहीं चाहते ऐसा जुल्म करवाना, ये तो सब खेल काल खेल रहा है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार बनाकर वो काल इन सबको नचा रहा है, उसके पास रिमोट कंट्रोल है सबका, ये तो खिलौने हैं उस काल के सामने, वो 1000 भुजा का है वो काल भगवान ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के, और ये इनकी माँ जो है अष्टंगी सेरा वाली दुर्गा ये 8 भुजा की। अब ये देखना, एक तो 1000 और स्पोर की मोटर हो, और एक 4 और स्पोर की हो, एक 16 कला के हो, 16 हॉर्सपावर की मोटर हो, और एक 1000 कला की यानी पावर और स्पोर की हो, कितना अंतर होता है। ऐसा ही इन सब के अंदर भिन्नता है। तो इस प्रकार ये काल सभी को नचा रहा है, और वो दसवां जो अवतार आएगा राजा हरिश्चंद्र, यहां इन सब कर्तघनी प्राणियों को मार डालेगा, और वहां जितनी हत्या वो करेगा उसके पाप कर्मों को उसकी ही अकाउंट में लिख दिया जाएगा। और जब ये अवतार यहां अपना दसवां पूरा कार्य करके चला जाएगा या उछल कूद के, फिर इसको नरक में ठोका जाएगा जब इसके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे। ऐसे ये काल सबको धोखा दे के अस्थाई सुख दिखा के इन सबको नचा रहा है, ऐसा कबीर परमेश्वर बताना चाहते हैं। सेंस 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, इस काल की ही माया के अंदर फंसे हुए हैं कौन कौन? सेंस 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, 9 नाथ 84 सिद्ध, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी पुण्यात्मा भी ये काल की ही डोर के बंधे हुए हैं, इनसे बाहर नहीं है। सेंस 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, इत्यम जम का तुलबना चलियो पुरुष किशोरी, इन इतनों में तो 21 ब्रह्मांड में तो काल ही का तलबाना अर्थात हुक्म चलता है। मुल्ला का तो माथा दागू सत की मोर करूंगा, पुरुष दीप को हंस ले जाऊं दरा न रोकने दूंगा। अब कबीर परमेश्वर कहते हैं कि इस काल की मुल्ला माया अर्थात सब माया को मैं काट दूंगा, और अपने हंस को सतलोक में पुरुष दीप में पूर्ण परमात्मा वाले लोक में ले जाऊंगा, रास्ता नहीं रोकने दूंगा, मैं साथ रहूंगा अपनी पुण्यात्मा के, जो सत भक्ति मेरे पूरे हंस से पूरे संत तनाव लेकर के और वही 3 मंत्रों के जाप से विधिवत साधना अंतिम श्वास तक करता रहेगा। हम तो बंदी छोड़ कहां वहां धर्म राय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा वाणी हमारी अखवे, 14 भवन गवन है मेरा जल थल में सर्वंगी, खालक खलक खलक मैं खालक अवगत असल अवंगी, अगर अलील चक्र है मेरा जहां से हम चल आए, पांचों पर परवाना मेरा ये बंद छुटावन दाए, इन पांचों के ऊपर मेरा तलबाना मेरा हुक्म चलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश और माया और इस काल के ऊपर ज्योत निरंजन के ऊपर कबीर परमेश्वर कहते हैं कि मेरा हुक्म चलता है।
अगर अलील चक्र है मेरा, जहां से हम चल आए सतलोक से हम आए हैं, और पांचों पर परवाना मेरा बंद छुटावण दाए। जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही, जहां वेदों के आधार पर साधना करने वाले वहां नहीं जा सकते, और ना ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश जा सकते। जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही, जहां करता ने जन भगवान ना, काया माया पिंड ने पराना, पांच तत्व गुण तीनों गुण नाही, जहां काल द्वीप और नहीं जाही, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ बंधन छुटवाने वाला, पाप कर्मों को काटने वाला वो कबीर परमेश्वर कहता है कि अमर करूं, ऐसे लोक में ले जाऊं ये सत सार नाम और सत नाम देकर, वहां से फिर तेरा मर नहीं होगा। अमर करूं और सतलोक पठाऊं, सतलोक ले जाऊं भेज दूं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं, ताते बंदी छोड़ कहूं। जैसे यजुर्वेद के पांचवें अध्याय के 32 श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है जो इस काल की बंधन से छुटवाता है, और वो आकार में है। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ का अर्थ होता है बंधन से छुटवाने वाला, काल की कारागार से छुटवाने वाला। अब ऋग्वेद आपको बताएगा कि वो बंदी छोड़ कौन है, ये आपके यजुर्वेद बताएगा, ये यजुर्वेद आपको दिखाते हैं। ये महर्षि दानंद सरस्वती, इनके द्वारा भाषा भाष्य है, इनका स्वयं भाषा भाष्य, इनका टीका किया हुआ है, और ये श्लोक नंबर 32 अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32 आप देखिएगा। ये देखिएगा, ये है श्लोक नंबर 32 अध्याय नंबर 5 पंचमो अध्याय और श्लोक नंबर 32। ये देखिएगा, ये है उसी गसी कबीर अंगहारी असी बंभारी, बंबारी बंबारी माने बंधनों का शत्रु, अवसरोसी दो वसवान सुधन्यो रसी मार जालिय सम्राट असी कृषानु पृष्ठो असी पवमानो नभोसी प्रतका मृष्टासी अव सुधन है रत धामा असी सवर ज्योति। अब इन्हीं के द्वारा, महर्षि जी के द्वारा ही इनके शब्दों में सुनिए। पहले तो हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उशीक माने कांतिमान, असी माने है, अंगहारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, अंग का अर्थ होता वास्तव में पाप, अंगहारी का अर्थ होता पाप, अरि माने शत्रु, अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, पाप क्या शत्रु, पाप काटने वाले खोटे कर्म, ये छोटे खोटे चलन नहीं, ये सीधा अर्थ है अंगारी माने पाप कर्मों को काटने वाले कबीर, ये कबीर है, ये कबीर को यहां कबीर ही लिखना था, कबीर असी माने है, वो पाप काटने वाला कबीर है। आगे देखिए, फिर स्वयं स्वीकार करते हैं बंभारी बंधनों का शत्रु, बंधनों के शत्रु व तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले, ये तो इन्होंने अपना बना दिया सीधा बंभार, बंभर माने बहोरे की तरह विषय वासनाओं के बंधन में बंधे हुए काल के जाल में, ये बंभारी माने बंधनों के शत्रु, बंभर माने बहोरे की तरह बंधे हुए बंधनों में, विषय वासनाओं के बंधनों में
उनको काट के इस काल की कैद से छुड़ाने वाले ये परमात्मा कबीर है। कौन है? वो कबीर है। और वो कहाँ रहता है? ये देखो, वो सत धामा, ये स्वयं कहते हैं वो सत सत धाम युक्त असी माने है, वो सत लोक में रहता है। अब यहां फिर ऊपर देखना, ये मूल संस्कृत सीधार्थ लिखा है कि उसी गसी कबीर, ये स्पष्ट कबीर शब्द है। कबीर अंगारी असी, पाप काटने वाले कबीर हैं। और बम्बारी, बम्बारी माने बंदी छोड़, बंधनों के शत्रु कहो या बंधन छुड़वाने वाले बंदी छोड़ कहो, हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं। इसलिए कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। अमर करूं और काल के जाल से जीव को छुटवा कर सतलोक ले जाता हूं। अब गरीबदास जी, वही कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा, अपने प्रभु की समर्थता कैसे बताते हैं और इस काल के जाल को कैसे समझाना चाहते हैं? अब क्या बताते हैं? माया अर्थात ये प्रकृति देवी, और इससे इसके काल के वश होकर ये और ये काल दोनों अपने ही प्राणियों को अपने आप ही पैदा करके और स्वयं ही खाते हैं। माया आद निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओ हम सोहम का है खिला। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों इसी के अधीन है, ये बेचारे इस काल के वश हैं। और ये ओम सोहम का है खेला, ओम ये माया है और ये काया समझो, और इसमें जीव इस काया के अंदर इन्होंने फंसा रखा है। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण में लुपठाई। शिखर सुन में यो धर्म ये काल अन्यायी कहा है कि इसने किसी को भी सत्य नहीं बता रखा, सबको धोखे में देकर रखता है। अभी आप देखिएगा ये 21 ब्रह्मांड का चित्र, ये शिखर सुन में, यहां देखो ये 21 ब्रह्मांड का, इस काल के ब्रह्मांडों का चित्र है। ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये काल यहां बैठा है, ये एक महाब्रह्मंड में, इसने चार महाब्रह्मंड बना रखे हैं काल ने, और इसमें पांच पांच ब्रह्मंड का एक ग्रुप बना रखा है, एक समूह बना रखा है। इनमें सभी प्राणियों को नचा रहा है और स्वयं ये 21वें ब्रह्मंड में स्वयं शिखर में सबसे ऊपर चोटी में ये काल निरंजन अपने निज लोक में रहता है, और यहां पर ये तपतशिला है, ये सब जीवों को फून कर खाता है। ये नकली लोक बना रखे हैं इसने सतलोक की नकल करके, और यहां पर वो 12 दूतों को रखता है, जहां पर अपने नकली दूत बनाकर संत बनाकर भेजता है, जो सब शास्त्र विरुद्ध साधना बताते रहते हैं। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, युग काल अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। यहां पर अपनी शक्ति से इस देवी से सभी ब्रह्मंडों में स्वयं ही एक एक ब्रह्म लोक बनाकर और वहां सबको नचा रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करता रहता है। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई, लाख ग्रह से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। इस काल भगवान को कबीर परमात्मा बहुत बुरे शब्दों से लताड़ रहा है कि ये नीच आत्मा इन सबको धोखा देकर ले आया यहाँ पे, झूठे लालच में, अभी इनको सब झूठे लालच में ही लगा रहा है। 1,25,000 घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। होए होए, 1,25,000 रोजाना, 1,00,000 को तो रोज खाता है ये काल मानव शरीरधारी प्राणियों को, और 1,25,000 की उत्पत्ति करता है।
लाख गरा सैन्यत उठ दूती माया आद तकत की कुती। यानी वहां से इसने गंदा कर्म किया, कुत्तों जैसा व्यवहार किया इस लड़की के साथ, इसलिए काल को वहां से निकाल दिया। और फिर कहा कि ये 1,00,000 जीवों का रोजाहार करता है ये काल भगवान, जिसको ये नादान आत्मा सभी पूज रही हैं, और इसी के 3 पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। 1,25,000 घड़िए नत भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1,25,000 प्रतिदिन जीवों की उत्पत्ति करता है और 1,00,000 का आहार कर लेता है। ये भक्त आत्मा हंस आत्माओं को जन्म और मरण के दंड से दंडित करता रहता है। ये तीनों चेला पटपारी सरजे पुरुषा सरजी नारी खोखापुर में जीव भुलाए शोपन बिस्त बकुंठ बनाए। इस खोखापुर में इसे काल का लोक दिखे तो ये सतलोक जैसा है, यानी उसकी नकल कर रखी है। और ये सब ऊपर से कवर, खोखा माने कवर, वो तो ठीक लगता है सही ओरिजिनल माल जैसा, लेकिन अंदर माल डुप्लीकेट है। कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा। ये अरहट का कुआ लोई ही यागल बंध्या है सब कोई। ये अरहट माने रहट का, एक रहट होता है एक कुएं के अंदर वेल, और उसमें एक चैन लगा करके एक पुली पे एक सर्कुलर लोहे का एक घेरा होता है, और उसके ऊपर बाल्टियां बकेट्स वो जड़ दी जाती है उस चैन के ऊपर, और फिर उसको बैल से चलाया करते थे कोल्हू की तरह, और फिर वो नीचे से बाल्टियां भरकर आती थी ऊपर खाली हो जाती थी, फिर नीचे से भरकर आती थी ऊपर खाली हो जाती थी। ऐसे ही ये भक्त आत्मा नीचे अपने पुण्य और पाप इकट्ठे करते हैं, ऊपर स्वर्ग के अंदर जाकर के उनको स्वर्ग और नरक में उन दोनों को खाली करके फिर 84,00,000 जोनियों के कष्ट को फिर उठाते रहते हैं। कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा। कीड़ी यानी चीटी से लेकर और हाथी तक, और ये अवतार भी ऐसे ही काल के जन्म मरण रूपी रहट से बंधे हुए हैं। अरब अलील इंद्र हैं भाई हर हट डोर बंधे सब आई। शेष महेश गणेश्वर ताही हर हट डोर बंधे सब आही। ये शेष महेश ये गणेश्वर ये भी सब जन्म मरण के अंदर ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा हर हट डोर बंधे सब खेवा। शुक्रादिक ये शुक्राचार्य जैसे महापुरुष भी, और ब्रह्मादिक ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ये भी इस जन्म मरण की रहट की डोरी में सब बंधे हुए हैं। कोटिक करता फिरता देखा हर हट डोर कहूं सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहां में हर हट डोर बंधे सब आवे। ये चतुर्भुजी भगवान कहां में, ये 4 भुजा के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाते हैं, ये भी इस जन्म मरण के चक्कर रूपी रहट की डोरी से बंधे हुए हैं। ये है खोखापुर का कुआ इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ। ये वो बहुत ही निमन सत्र का स्थान है, इसमें जो भी हो गया पैदा हो गया वो मरेगा, और मर गया उसका जन्म अवश्य होगा। ये सृष्टि रचना कबीर परमात्मा ने स्वयं सुनाई और साथ में सभी शास्त्रों में। अब काल का प्रमाण, अब काल का प्रमाण आप स्वयं देखिए गीता जी के अंदर। ये ब्रह्म काल छत्पुरुष स्वयं अपने आप को कहता है कि मैं काल हूं। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही पुस्तक है ये। इसमें अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 31 में ये 32 है, और 31 में अर्जुन पूछ रहा है
कि मुझे हे भगवान हे उग्र रूप वाले, जब इन्होंने विराट रूप दिखाया, हजार भुजा का, हजार आंख आदि आदि, तो अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन है। हे देवो में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए। आधम, आधम का अर्थ होता है यम माने आदि माने पुराना, यम माने काल। हे वास्तव में काल रूप, इन्होंने आदि पुरुष लिखा है। भवंत, आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब देखो अर्जुन पूछ रहा कि आप कौन है, तो स्वयं ये ब्रह्म कहता है श्री भगवान वाच। नीचे देखिए, अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन मैं लोक को, ये 32वां श्लोक है, ये देखिएगा, ये 32वां श्लोक है, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। ये तो बड़ा चला के लिखते हैं, काल है, महाकाल लिख दिया, मैं काल हूं। इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। हे प्रति, ये जो प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, ये तेरे मारे बिना भी, ये देखिएगा कि जितने ये वे सब तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे, इन सब का नाश हो जाएगा। अब यहां फिर देखिएगा, ये कहते हैं कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, प्रवृत्त हुआ हूं मतलब मैं प्रगट हुआ हूं। ये स्वयं कहते हैं, फिर देखना, लोकों का विनाश करने वाला, लोकों को विनाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, स्वयं स्वीकृति दे रहे हैं कि मैं काल हूं। इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, अर्थात प्रवृत्त हुआ हूं क्यों कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, अपनी सिद्धि से काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गया, और जो प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, ये तेरे मारे बिना भी मैं मर जाएंगे, मैं इनको खत्म कर दूंगा। अब आप देखिएगा, ये विष्णु महापुराण, इसमें स्वयं स्वीकृति दी है कि विष्णु का अर्थात ये काल ही महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में ये डबल रोल करता, स्वयं ही रोल करता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु महापुराण, श्री 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 विष्णु पुराण, इसके अंदर देखिए, ये संस्कृत भी साथ है, यहां से देखिएगा, हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, यानी ये दिक काल जो है ये ब्रह्म है, परब्रह्म देव, वैसे तुक्के मारा अपने हिसाब से अनजानपने में, ब्रह्म का प्रथम रूप तो पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त, ये इनकी अपनी सोच है, व्यक्त अव्यक्त और व्यक्त, अव्यक्त माने ये प्रगट आकार में नहीं आता, और व्यक्त व्यक्तिगत रूप यानी प्रगट होकर ये ब्रह्म लोक में रहता है, चतुर्भुज रूप में, महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में, उसके अन्य रूप है। अव्यक्त माने निराकार, व्यक्त आकार, अव्यक्त ये किसी के सामने नहीं आता अपने वास्तविक काल रूप में, ये वहां 21वें ब्रह्मांड में आकार में ही रहता है, और यहाँ व्यक्त महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ब्रह्मलोक में व्यक्त रूप में आकार रूप में रहता है, उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। ओए होए, असली रूप काल है, किसका, उस काल का, ज्योत स्वरूपी निरंजन का। अब यहां देखिएगा कि भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष काल रूप से स्थित होते हैं, व्यक्त, अब जैसे ब्रह्मलोक के अंदर ये महाब्रह्मा महाविष्णु शिव रूप में ये व्यक्त रूप में है, अव्यक्त ये गुप्त रूप में कृष्ण में प्रवेश कर गया, पुरुष और काल रूप से स्थित है, एक तो भगवान जैसा दिखे और वास्तव में ये काल है। और यहां देखिए, हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है,
इनका अनंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। अब यहां देखिए, पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर ये काल इस देवी को छोड़कर और 21वें ब्रह्मांड में चला गया। हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परवर्त होता है। ओए होए, स्पष्ट लिखा है, ये महाविष्णु से प्रारंभ होती है विष्णु पुराण और फिर त्रिलोकीय विष्णु की महिमाओं से समाप्त होती है। अब यहाँ वो विष्णु भगवान का वो जिसको परब्रह्म लिखा हुआ पर वो गलती से ये अपनी सोच से अब लिखा है कि प्रकृति से अलग हो जाने पर, ओए होए, पुरुष के यानी काल भगवान के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परवर्त होता है, यानी वो वास्तव में वहां काल रूप में रहता है 21वें ब्रह्मांड में। अब ये सामने देखिएगा एक ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र, इसमें ये सात लोक है नीचे के, ये पाताल लोक, ये अन्य लोक है उतल अवतल रसतल तुतल वितल अतल, और ये है पृथ्वी जिस पर हम बैठे हैं। और ये इधर देखिएगा, ये इंद्र लोक है, ये स्वर्ग और नरक लोक है, ये धर्मराय का लोक है जहां पर सब प्राणियों का लेखा जोखा होता है, जो यहाँ का एक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है काल भगवान के द्वारा। ये काल भगवान के तीसरे पुत्र शिव जी हैं, ये शिव लोक है, और ये प्रथम पुत्र ब्रह्मा है ब्रह्मा लोक में, और ये विष्णु जी का लोक है, ये सेकंड पुत्र ब्रह्मा काल का, और ये काल यहाँ रहता है व्यक्त रूप में महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में, और ये प्रकृति देवी का अलग से लोक भी है और फिर इसको यहाँ भी अपने साथ अपनी पुत्री रूप में रखता है। जब ये इनसे अलग हो जाता है और यहाँ पर ये एक मानसरोवर भी है और ये कबीर परमात्मा भी हर ब्रह्मांड में अपना अन्य रूप बना के, और इनका सतगुरु का भी एक स्थान यहाँ पर हर ब्रह्मांड में है, जो प्राणी इनकी सत भक्ति करते हैं अगर वो पार नहीं होते तो उनको तब तक हर ब्रह्मांड में यहाँ रखता है, और फिर जब भक्ति युग आता है तो फिर उनको दोबारा जन्म दे देता है, फिर अपने बच्चों को ढूंढ लेते हैं। अब ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। अब 21 ब्रह्मांड का चित्र देखिए, ये देखिए पूरा का पूरा। अब क्या कहा विष्णु पुराण में कि जब ये प्रकृति से भिन्न हो जाता है हर ब्रह्मांड में अपने उत्पत्ति करके, ये एक ब्रह्मांड है, ये पांच महाब्रह्मांड का ग्रुप है, पांच ब्रह्मांड का, और एक महाब्रह्मांड बनाया हुआ इस काल ने। इस एक एक ब्रह्मांड में अपनी पत्नी के साथ रहकर एक एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शिव की उत्पत्ति करके एक ब्रह्मांड की शुरुआत कर देता है, फिर इनसे भी अलग हो जाता है, फिर इनके साथ नहीं रहता, वो काल यहाँ रहता है। देखो कितना स्पष्ट किया है कि वो फिर काल रूप हो जाता है इस 21वें ब्रह्मांड में। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं शिखर सुन मधुरम अन्यायी जिन शक्ति दायण मैल बठाई, इसको छोड़ के प्रकृति से ये दबाव से काम लेता जबरदस्ती वाई फोर्स, ऐसे ही सभी तीनों पुत्रों को रजगुण सतगुण तमगुण बनवा दिया। अब ये बेचारे क्या करें, जैसे मिर्च बन गई तो मिर्च का स्वभाव तो रहेगा ही, उसका क्या दोष बेचारी का। अब यहां देखिएगा कि आपको ऋग्वेद दिखाऊंगा, उसमें लिखा कि इस काल ने इन सभी 21 ब्रह्मांडों को ऐसे गोल आकार वृत्त आकार में सबको घेर कर और उससे भी बाहर बैठा है, इनसे भी बाहर बैठा है, यहां बैठा है अति तिष्ठन्त, तो इनसे भी बाहर है वृत्ताकार में गोलाकार में रोक के। अब ऋग्वेद दिखाता हूं सृष्टि रचना में, अब देखिएगा ये ऋग्वेद ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा भाषा भाष्य है,
इन्होंने भी सत्य को छुपाते छुपाते भी नहीं छुपा पाए, क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं था कि परमात्मा वास्तव में है कौन। अब ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90, इसमें देखना, संस्कृत स्पष्ट बता रही है। यहां देखिए, सहस्रा शीर्षा, सहस्रा अक्षा, अक्षय सहस्र पात है स भूमि विश्वस्तो वृत्वा, ये देखना वृत्वा अति तिष्ठंत दस उंगलम पुरुष है परमेश्वर, ये काल भगवान, पुरुष माने काल भगवान, क्योंकि अब सहस्रा शीर्षा संसार के सिरों वाला, सहस्रा संसार के नहीं 1000 सिर वाला, जैसे गीता में लिखा है हे सहस्रा बाहु सहस्रा अक्ष वाले, सहस्रा अक्ष है और हजारों आंखों वाला, इन्होंने संसार की आंखों लिखा वाला लिखा है, जबकि सहस्र माने हजार होता है, हजार पात है, हजार पैरों वाला सहस्रा पात। अब मैं जो बताना चाहता हूं कि ये क्या लिखा है, सह माने वह भूमि, इस भूमि वाले पृथ्वी वाले लोकों में प्रकृति को विश्वता माने सब और से वृत्वा, ये वृत्वा माने गोलाकार में घेर के, दस उंगलम, इन्होंने दस इंद्रियों लिखा नहीं, दस उंगल माने इन दसों, इनसे बाहर यानी अपने पूरे काबू में करना, दस उंगलम में माने पूरे काबू में करके, अति तिष्ठत यानी इनसे भी बाहर बैठा है। अब ये संस्कर दिखाई आपको, अब ये दास बताएगा वास्तव में इनका क्या सरलास बनता है। और फिर आगे इन्होंने किया है, इन्होंने की भाषा में सुनिए पहले, अब दूसरा श्लोक, जो उत्पन्न हो चुका है और जो भविष्य में उत्पन्न होगा होने वाला है और जो वर्तमान में है वह सब पुरुष ही है, और अमृता मोक्ष का स्वामी है जो प्रकृति से बढ़ता है उसका भी स्वामी है। अब देखो, ये परब्रह्म की महिमा है, वो ब्रह्म की महिमा थी। अब आगे देखिएगा, इन्होंने गोलमोल कर दिया, आगे देखो, एतावान इतनी ही इस पुरुष की जगत आदि विभूति है। स्पष्ट लिखा है कि एतावान इतनी ही इस पुरुष की महिमा अर्थात जगत आदि विभूति है, और पुरुष वह परमेश्वर तो, यानी इस भगवान 1000 भुजा वाले थे तो वह परमेश्वर तो स्वयं लिख रहे हैं, इससे भी बड़ा है। देखो महर्षि दयानंद स्वयं दो भगवान तो आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि वो वास्तव में परमात्मा, पहले तो 1000 भुजा वाला भगवान, अब कहते हैं ये तो इतनी ही महिमा है उस भगवान की तो, लेकिन वो परमात्मा वह परमेश्वर अर्थात दूसरा कोई भगवान है वो इससे भी बड़ा है। हे मालिक, दो भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं और स्वयं कहते हैं भगवान है ही नहीं, निराकार है, एक ही प्रभु है, विश्वा समस्त भूत जात इसका एक पैर है, एक पैर है, पाद है इसके, तीन पाद ज्ञान प्रकाश दिदिनी दिवी है, ये अमृतम अविनाशी है। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा भाषा भाष्य अर्थात इसका सरलार्थ है, और ये स्वयं ही प्रथम श्लोक में स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर संसार के सिर वाला, सहस्रा शीर्षा 1000 सिर वाला, 1000 भुजा वाला, 1000 आंखों वाला, ये काल भगवान है। और इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है, इस दास ने किया है कि पुरुष विराट रूप काल भगवान अर्थात छर पुरुष, एक सहस्रा शीर्षा 1000 सिर वाला, 1000 आंखों वाला, 1000 पैरों वाला वह काल भूमि मन पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मंडों को विश्वस्त माने सब औरतें, विश्वस्त माने सब और से जबरदस्ती
घेर के विश्वस्त है। दस उंगलम माने बिल्कुल पूर्ण काबू करना, यानी दसों उंगलों के बीच में रख लेना, उसको पकड़ लेना, जकड़ लेना। दस उंगलम का अर्थ ये है, पूर्ण रूप से घेर के वृत्तवा यानी गोल आकार में घेर के अत्यतिष्ठत इससे भी बाहर उस काल लोक में ठहरा हुआ है। ये आपको अभी मैंने दिखाया था। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।